अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आपके साथ जो मैं क्लास डिस्कस करने जा रही हूँ वो है क्लास होलो। थायरॉइडिया ठीक, ये होलो थ्राय जो है वो किस से निकला है? सी कोकम्बर ठीक है। आइडिया मीन इन फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में होते हैं? सी कोकम्बर की फॉर्म में होते हैं ठीक है। सी कोकम्बर फॉर्म ठीक। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इनकी कितनी स्पीशीज हैं? 1500 स्पीशीज, और इसका जो कॉमनली मेंबर है इस क्लास का वो क्या है? सी कोकम्बर ठीक है। ये ज्यादातर क्या है? ओशन की डेप्थ पे पाए जाते हैं ठीक है। यहाँ से ये क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं, रिंगते हैं, तो क्या हार्ड सबस्ट्रेट पे आ जाते हैं ठीक है। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? डेप्थ में, ओशन की डेप्थ में पाए जाते हैं। फिर ये क्या है, किसी हार्ड सबस्ट्रेट से अटैच करने के लिए क्या है? क्रॉलिंग करते हैं, तो हार्ड सबस्ट्रेट तक पहुँच जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट इसकी बॉडी के बारे में बताया गया है कि इनकी बॉडी कैसे होती है ठीक। इनके जो है वो हैविंग नो आर्म्स ठीक है, इनके पास आर्म्स नहीं होती। ये मूविंग मतलब मूव किस तरह करते हैं, किसके थ्रू ये रन करते हैं? ओरल या एबोरल जो होती है इनकी, मतलब ये ऐसे होते हैं ना, तो ये एनस ओरल, तो इसके थ्रू जो है ये मूविंग करते हैं ठीक है। ये मतलब अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हैं तो एक ही साइड पे ये पड़े रहते हैं, ये साइड क्या हो जाती है? फ्लैटेंड हो जाती है ठीक है, फैल जाती है ठीक। ये सबस्ट्रेट है तो इसके साथ क्या है, ये जो सरफेस है इनकी एक अटैच हो जाएगी, एक साइड इनकी अटैच हो जाएगी, और वो जो साइड अटैच होगी वो क्या बन जाएगी? फ्लैटेंड सरफेस बन जाएगी ठीक। इनके जो ट्यूब फीट हैं, फॉर एग्जांपल जो इनका माउथ है, तो इनके इर्द गिर्द क्या है? ट्यूब फीट पाए जाते हैं ठीक। उनको हम क्या कह रहे हैं? टेंटिकल्स। बाकी हमने सब क्लासेस में क्या पढ़ा है? ट्यूब फीट ही पढ़ा है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक नेम उसको दिया गया है, टेंटिकल्स ठीक। इनके जो मतलब ज़्यादातर अडल्ट हैं उनका डायामीटर कितना होता है या लेंथ कितनी होती है? 10 से 30 सेंटीमीटर ठीक। नेक्स्ट इनकी जो बॉडी वॉल होती है ठीक, वो क्या है? थिक है, बॉडी वॉल थिक एंड मस्कुलर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी थिक मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो काफी मोटी टाइप होती है ठीक है, इस वजह से इसको थिक कह रहे हैं, और मस्कुलर मतलब इनमें मसल ज्यादा होते हैं ठीक, इस वजह से मस्कुलर कह रहे हैं। और इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें क्या है? स्पाइंस और पेडिसलेरी की, स्पाइंस और पेडिसलेरी एब्सेंट होते हैं, पेडिसलेरिया एब्सेंट। अच्छा, इनकी एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर पाई जाती है, डर्मस लेयर ठीक है। बीनिथ एपिडर्मिस एक लेयर पाई जाती है जिसको डर्मिस कहते हैं ठीक है। वो किस से मिलके बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से।
ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, और उन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, ओसल्स इम्बेडेड होते हैं। ठीक, सी को कंबर के जो ओसल्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो मतलब वो नजर नहीं आते, ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आएंगे। इनका जो लार्जर ओसल्स है वो क्या बनाएगा, कैल्केरियस रिंग बनाएगा। ठीक, जिसने जो है इंसर्कल किया होता है ओरल एंड को, ओरल एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, इनका जो लार्ज मतलब ओसल है वो क्या कर रहा है, लार्ज ओसल कैल्केरियस रिंग बना रहा है। ठीक है, वो जो रिंग है वो उसने किसको सराउंड किया होता है, ओरल एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अच्छा, इनकी डर्मस, पहले हमने बताया ना कि एक बॉडी में एपिडर्मस के नीचे एक डर्मस लेयर होती है, उसका आगे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब डर्मस लेयर के नीचे एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसमें जो है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बताया गया कि अगर सी को कंबर की जो बॉडी वाल है उसको हम बॉयल करके खा लें तो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, ट्री पैंग। एशिया कंट्री में उसको क्या कहते हैं, ट्री पैंग। ठीक, इनके जो मेटापोराइट होते हैं वो क्या है, इंटरनल होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो स्लियोमिक फ्लूइड से भरा होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बना होता है, स्लियोमिक फ्लूइड उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, और रिंग कैनाल जिसने ओरल एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक को इंसर्कल किया होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या निकली होती हैं, उससे उससे 1 से 10 क्या है, पोलियन वेजिकल निकल रहे होते हैं। ठीक, आगे इनके जो टेंटिकल्स हैं मतलब, ठीक है, टेंटिकल्स तक जो कैनाल जा रही होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, रिंग कैनाल से, रिंग कैनाल से आगे रेडियल कैनाल तक जाएंगी, रेडियल कैनाल जो मज़ीद किस तक, टेंटिकल्स तक ले जाएगा। ठीक है, ये रेडियल कैनाल, ओ सॉरी, रिंग कैनाल। ठीक है, ये आगे से 5 जो हैं वो क्या निकल रही हैं, रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स फिर मज़ीद कहाँ तक जाएगा, टेंटिकल्स तक, टेंटिकल्स। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि जो रेडियल कैनाल और ट्यूब फीट हैं, उनमें जो होता है सक्शन कप या एम्पुलाई जो होता है, एम्पूला, ठीक है, वो ओरल से एनस तक जा रहा होता है। ठीक, इनका मतलब जो पोर्शन सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है उसमें कितने ट्यूब फीट के पेयर होते हैं, 3, 3 जो है ना, 5 में से 3 जो होते हैं वो क्या है, उनको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए होते हैं, और जो उनका बॉडी के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें कितने होते हैं ट्यूब फीट, 2 रोज़, उसमें 2 रोज़ पाई जाती हैं बॉडी सरफेस पे।
जो कि उनका कोई मेजर फंक्शन नहीं बताया गया। अगर नेक्स्ट इनका मेंटेनेंस फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन में मेजर क्या होता है, इनकी खुराक के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, म्यूकस भरा होता है। म्यूकस क्या होता है, एक स्लाइवर टाइप होता है, ठीक है, सिक्रीशन होती है जो कि फूड को क्या है, ट्रैप कर लेती है अपनी तरफ, म्यूकस टेंटिकल्स ट्रैपिंग फॉर फूड। ठीक है, ट्रैपिंग द फूड, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो म्यूकस होते हैं जो के खुराक को ट्रैप करते हैं। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्टमक पे कंसिस्ट होता है, इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस पे। ठीक, अच्छा, डाइजेशन के दौरान जो सिलोमोसाइट्स हैं, साइट्स में सेल जो के स्लोम में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करके इंटेस्टाइनल वाल तक आ जाते हैं। ठीक है, जो के फिर आगे एंजाइम्स क्रिएट करता है और डाइजेशन को क्या है, कंप्लीट करता है। इनकी जो स्लोम है, कैविटी लार्ज है, ठीक है, और उसमें क्या है, सीलिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, मूव करती है। फिर बताया गया है कि इनकी जो रेस्पायरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो इसी स्लोमिक लाइनिंग, मतलब जो सीलिया इनके साथ लगे होते हैं, इसके थ्रू क्या है, मूव कर जाती है एनस के पे। आगे नेक्स्ट बताया गया है इनके जो रेस्पायरेटरी सिस्टम, उसके मुतालिक बताया गया। पेयर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिसको क्या कहा गया है, रेस्पायरेटरी ट्रीज। ठीक, जो के रेक्टम के साथ अटैच होती है, ठीक है, उनकी बेड थ्रू आउट उनकी बॉडी कैविटी तक जाती है। और नेक्स्ट क्या है कि जो रेक्टम है उसको क्या फंक्शन है, वो सर्कुलेट कर सकता है। ठीक है, वो जब जैसे उसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वाटर क्या है, इन और आउट होता रहता है, ठीक है, इनकी बॉडी के थ्रू। आगे नेक्स्ट इनका नर्वस सिस्टम बताया गया कि वो बाकी इकाइनोडर्म्स की तरह सिमिलर ही होता है। ठीक है, जैसे कि नर्व इम्पल्सिस पाई जाती हैं या नर्व रिंग पाई जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा इनमें नर्व पाई जाती है जो कि इनके टेंटिकल्स तक जा रही होती है। ठीक है, और इनको अगर प्रीडेटर से बचने के लिए इनके जो टेंटिकल्स हैं उसके अंदर टॉक्सन पाया जाता है, और मजीद इनके बॉडी वाल के ऊपर भी टॉक्सन पाया जाता है, तो वो क्या है, प्रीडेटर को से इनको बचाती हैं। बॉडी वाल पे पाया जाता है टॉक्सिन, दूसरा इनके टेंटिकल्स के अंदर होता है। ठीक, नेक्स्ट इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, ये भी डाइओशियस हैं दूसरे क्लासेस की तरह, सिंगल गुनाड होता है डाइओशियस, सिंगल कुनेट पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, जो कि इनकी स्लोम के अंदर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इनकी जो होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी।
इनका जो लार्वा होगा वो प्लांकटोनिक होगा, ठीक है, वो बाकी जैसे ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स पे क्या है अपनी फीडिंग करेगा, तो फिर क्या मेटामॉर्फोसिस होगी, वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह सम टाइम कहा गया कि इनकी जो है फीमेल्स वो ब्रूड करती हैं स्लोम्स में, तो वहाँ से जो अपने हैं वो एग्स क्या रिलीज़ करती हैं, एग्स रिलीज़ करके फिर वो बॉडी कैविटी से बॉडी वॉल की जब कंट्रैक्शन होगी तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे, उससे क्या है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी हो जाएगी। तो बच्चे ये था आपका क्लास, होलोथ्राइडी कंप्लीट हुआ। तो इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।